की शुरुआत खानों से, मतलब कामों से हुई है। पहले मैंने धोए उसके बर्तन, उसके बाद मैंने सारी ये क्लीनिंग की घर की, ठीक है, उसके बाद खाना बनाया, बच्चे संभाले। ये मेरा न्यू ईयर जा रहा है, मतलब कि ये हम हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये हो गई है मेरी दाल रेडी, और अब मैं ज़यान बहुत तंग कर रहा है, और ये देखें क्या टाइम हुआ है, और ज़ोया सो गई और अब सारी रात जागेगी। ज़ोया उठ जाओ मेरा बच्चा, उठ जाओ, ना सो इस टाइम, फिर सारी रात जागती हो। उठ जाओ ज़ोया, ज़ोया उठो मेरी जान, उठ जाओ मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ बेटी, ज़ोया ना करो बेटी, ना करो ज़ोया, ना करो। ज़ैन, ज़ैन, जा। We will sleep later, maybe after 1 hour. We want to after 1 hour. It's night time. I know this is night time, but we cannot sleep so early. Here it is. Zoya, 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 please don't hit him. अब हम ऊपर सोने जा रहे हैं क्योंकि 12 बज गए हैं और न्यू ईयर स्टार्ट हो गया है, यानी कि 31 दिसंबर था। हम लोग ना अभी बाहर निकले हैं क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ना बच्चों को थोड़ी सी वॉक कराने ले जाऊं। तो हम बाहर निकले हैं और अभी मेरे इस टाइम घर पे नहीं है, वो अपनी किसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं, तो मैंने कहा हम थोड़ी सी वॉक कर लें थोड़ी सी, और मैं इनको ना शायद कुछ खाने पीने को लेके दूँगी, और यहाँ पे पास ही शॉप है वहाँ पे जाके कोई चिप्स वगैरह लेके दूंगी, और बस ऐसे ही और साथ ही यहाँ पे साथ ही ना वो हैं स्लाइड्स वगैरह, तो वहाँ पे लेके जाने लगी हूँ। ये मेरी बेटी क्या बनी है गाइज, यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड है, ये देखें बहुत ज़्यादा सर्दी है, और ना ज़यान की ना जैकेट ना गाड़ी में थी, और गाड़ी ये ले गए, मतलब कि ज़्यादा हैवी वाली जैकेट ना गाड़ी में थी, तो ये अब मैं इसको ये भी पहना के लेकिन ठंड लग गई होगी। और यहाँ पे ना इस टाइम वाकई बहुत ज़्यादा सर्दी है, मेरा बुरा हाल हो रहा है, माइनस में टेम्परेचर है। बेटे चलो, ये बाजी इस टाइम जॉगिंग कर रही है। हाँ जी मिजान, आई डोंट नो हु इज शी, आई डोंट नो, मे बी दे आर नेबर्स। यस यस मेरी जान, यस ना $750 का नोट लेके आई हूँ ताकि मैं ना बच्चों को ज़रा खा मतलब कुछ खिला पिला सकूँ। देखते हैं कि कहाँ से क्या मिलता है और कितनी ही, यहाँ से फर्स्ट टाइम ही इस तरह से मैं ऐसे वॉक करके जाने लगी हूँ, वरना मैं हमेशा हम लोग गाड़ी पे ही जाते हैं तो वॉक करके नहीं जाती। लेट्स सी कि क्या मिलता है, और कैश भी फर्स्ट टाइम ही यूज़ करने लगी हूँ इस तरह से, क्योंकि हम लोग ना ज़्यादा मतलब हम लोग क्या यहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट कार्ड से ही चलते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि कैश रखा होता है, मुझे कैश का शौक है, तो मैं फिर कैश यूज़ करना पसंद करती हूँ। एक स्टोर से ये हुआ ही है तो इन मैडम साहिबा को ना कुछ पसंद नहीं आया, इनके बड़े नखरे हैं। मैंने इसको कहा कि चिप्स ले लो, लेकिन इसको ना कुछ भी पसंद नहीं आया, कहती नो आई डोंट वांट टू बाय दिस काइंड ऑफ चिप्स, पता नहीं क्या बाय करना चाह रही है ये। दूसरा स्टोर बंद है, नाउ वी आर गोइंग ऑन द स्लाइड्स। मैंने सोचा मैं इसको स्लाइड्स पे लेके ना तो थोड़ी देर ले जाती हूँ, लेकिन नहीं, जनाब साहिबा कह मैडम साहिबा कह रही हैं कि आई डोंट वांट टू गो, तो बेटी ऑल स्टोर्स आर क्लोज्ड, व्हाट वी डू नाउ, लेट्स गो होम बैक, ओके लेट्स गो। भाई और जन्नू को कर रही हो जूनी, आर यू फीलिंग कॉल्ड, आर यू फीलिंग कॉल्ड,
इसके मुंह पे ना लगा हुआ है ना, चिप्स खा के बैठे। तो भाई फाइनली हमने ये कुकीज बाय किए हैं, क्योंकि इन्होंने चिप्स बाय नहीं की कोई भी, और फाइनली ये बोले कुकीज बाय करके ये लोग खा रहे हैं। हाय सर्दी बहुत ज्यादा है, और बड़ा दिल कर रहा था मेरा आज बाहर निकलने का। थैंकफुली मैं निकल आई हूँ बाहर, क्योंकि बाहर निकलना ये काम है पता है, बंदे को रेडी होना पड़ता है, आपको कोट पहन के आपको प्रॉपर रेडी होके बाहर निकलना पड़ता है, क्योंकि घर में तो आप ऐसे ही बैठे होते हैं। हम ना घर वापस जा रहे हैं, जोया ने चिप्स बाय करनी थी लेकिन उससे कुकीज़ बाय किए, और स्लाइड्स पर नहीं गई, कह भी रही थी कि आई एम फीलिंग कोल्ड, तो इसलिए वो घर से ही कह रही थी कि मैंने नहीं स्लाइड्स पर जाना। खैर मैं उसको इसलिए लेके आई थी कि थोड़ी सी बच्चे की वॉक हो जाए, वो बिल्कुल भी विंटर में ना बाहर निकलना पसंद नहीं करती, जो कि सही नहीं है, बंदे को थोड़ी बहुत आदत होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्दी है। नाउ वी आर गोइंग बैक टू आवर होम, और सर्दी में देखें दरख्तों बेचारों की क्या हालत हुई हुई है। यस जान, यस मेरी जान, ओके मेरी जान। मैं जयान को कहा कि बेटे आप भी उतर के चलो ताकि दोनों की वॉक हो जाए, कब से बैठा हुआ था, बैठे हुए बंदे को ज्यादा ठंड लगती है। जयान चलो लेट्स गो होम, आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ। He wants to come with me? Yes. Okay. ये चाह रहा है कि मैं इसका हाथ पकड़ के इसको चलाऊं। It's not mouse. What are you doing? What are you doing? What is that? That's squirrel. That's squirrel. No, come and see you. Squirrel is on the tree. Yes, it's on the tree. It's on the tree now. We need to go home. Yes, we need to go home, but train is not coming, my jaan. How do you know train is coming? हाँ मेरा कल शाम को थोड़ी सी स्नोफॉल हुई है, और देखें अभी पता भी नहीं है कि मतलब ज़्यादा नहीं हुई थी, थोड़ी सी हुई थी, उसी टाइम मेल्ट हो गई थी, लेकिन यह है कि फिर भी टेम्परेचर जब इतना ज़्यादा हाई हो, मतलब लो हो इतना ज़्यादा, तो फिर तो बंदे को नहीं, उसको इतनी जल्दी मेल्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गई है मेल्ट। क्या आज धूप भी निकली है ना, तो इसलिए भी। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यू आर मेकिंग अ पाथ। ओह नाइस, ना लोग वॉक और जॉगिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और लोगों ने ना कुत्ते बड़े रखे हुए हैं, जैसे वो बाजी कुत्ता लेके आ रही है यहाँ पे ना, औरतें जो शादियाँ ही ना करती हैं वो क्या करती हैं कि आराम से अपने साथ कुत्ते रख लेती हैं, और वही उनके उनको बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, मतलब कि इस तरह से ट्रीट कर रही होती हैं, माई सन माई डॉटर कह रही होती हैं उस तो बा बड़े मतलब फनी सी बात है, लेकिन लोग ना यहाँ पे और अक्सर लोग ना यहाँ पे कपल्स को हमने नोट किया है कि ना लोगों को ना यहाँ पे बच्चे पैदा करने का शौक नहीं है, तो जो लोग ना बच्चे पैदा नहीं ना करते वो क्या करते हैं कि वो उन बच्चों की जगह पे ना कुत्ते रख लेते हैं, और कुत्तों को अपने बच्चे कहते हैं। तो एक दफ़ा की बात है, हम लोग किसी पार्टी में गए तो ना वहाँ पे एक बंदे ने इंट्रोड्यूस करवाया कि ना ये ही इज़ माई सन, ओ माई गॉड, और वो कुत्ता था। तो लोग ना यहाँ पे ये काम करते हैं ज़्यादा ये लोग। और वी रीच फाइनली again girl, let's go home, let's go inside, it's very cold outside, where is our home Zoya? I don't know no beti, can you find your home? You don't know where is your home? I don't know where is your home. Turn around This one is not home. This one is not our home. This one is
This one is monster's home. No. Someone else's home. This one is not our home. This is our home. Carrie, this is someone else's home. Betty, no, that's our home. You don't know? That's our home. That's our white house. Don't you remember? Yes, it's our white house. It's our white house. Okay, let's go inside. Let's go inside. Zion, are you sleeping? No, you're not sleeping. Okay, let's go inside. Zion ka na thand se bura haal hua hua hai, muh bahut thanda hua hua hai, aur ghar aake itna warm hai ki ghar mein na ab ye jackets wagera main inke utar dungi, theek hai. Aur aise hi ghar mein hum matlab ki hum yahan pe aur bhi log aur hum bhi gharon ko kafi warm rakhte hain. Ye dekhenge na इस घर में तो ये नीचे से आ रहे हैं. ये ना इस सेंट्रल हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है, देखिए नीचे से वो देखें. और जगह जगह पे ना ये लगा हुआ है. बेटिया आपकी जैकेट उतार दूँ मैं यार. लो यार, टेक ऑफ योर जैकेट. ओके, सेइंग यू वांट टू पुट जैकेट इनसाइड इन द क्लोजेट. यस. ओके. और ज़यान की भी मैंने जैकेट उतार दी. ज़ोया की, ज़ोया ज़यान आर यू ओके नाउ? बट ना बहुत सर्दी से आए हैं अभी ना, हमारी बुरा हाल हुआ हुआ है. अभी आहिस्ता आहिस्ता ना वार्म हो रहे हैं. चलो आओ, लेट मी ओपन दिस क्लोज़ेट. और मैंने ना ये हलीम बनाई है, हलीम, ठीक है. तो बस यही बनाइए. देखें ट्रैश कैन कहाँ लेके आया हुआ ज़यान. और गंद देख लें फिर कितना डल गया. जितनी मर्जी क्लीनिंग करो ना, ठहर जा ज़रा तू, थप्पड़ खाएगा मामा जी. तो आज का ना हमारा न्यू ईयर ये गुजरा है, मतलब कि हमने कुछ भी नहीं किया, नथिंग. सिर्फ हम लोग थोड़ी सी वॉक करने गए और खाना पीना किया और घर के काम किए, क्योंकि सारा साल तो यही करना होता है. तो इसलिए ये न्यू ईयर. और मेरे हस्बैंड एज यूजुअल रात के इस टाइम 10 हो गए हैं लगी, लेकिन अभी तक नहीं आए, क्योंकि वो किसी मीटिंग के लिए गए हुए हैं. वो बिज़ी बहुत होते हैं, तो इस वजह से हम कहीं भी नहीं गए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और हैप्पी न्यू ईयर.